हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की आगे की रणनीति। कल शुक्रवार है, कल वीक का आखिरी दिन है और आज हो गई निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी। आगे की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमने आज क्या रणनीति बनाई थी और आज क्या हुआ, एक उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आगे कल की बात करते हैं। आज निफ्टी के सपोर्ट लेवल बताए थे आपको 12,036 का, रेजिस्टेंस बताया था 12,121 और 12,220 का, और मैजिकल फिगर बताया था आपको 12,036 का। आज का हाई पोस्ट हुआ है 12,167, लो पोस्ट हुआ है 12,087 और क्लोज हुआ है 12,131 में। ना तो ये अपने सपोर्ट लेवल तक आ पाई, यानी मैजिकल फिगर तक नहीं आ पाई और ना ही अपने रेजिस्टेंस जोन तक जा पाई। 220 का रेजिस्टेंस बताया था और 12,036 का सपोर्ट लेवल बताया था। 87 का लो है, 167 का हाई है, यानी नीचे भी इसने 40 पॉइंट छोड़ दिए और ऊपर भी इसने 40 पॉइंट छोड़ दिए। तो ओवरऑल बाजार कहेंगे पूरी हमारी रेंज में रहा है। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। कल इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 12,115, 12,070 और यही है हमारा मैजिकल फिगर 12,070, बहुत अहम लेवल होता है, ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 12,238 और 12,288 और मैजिकल फिगर मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया 12,070। इसी की रेंज में कारोबार दिखता है और कल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल ही की क्लोजिंग के ऊपर से आगे की रूपरेखा पूरी तय होगी। तो ये थी निफ्टी की चर्चा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट बताया था 30,975 का और रेजिस्टेंस बताया था 31,500 का। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 31,530 का, रेजिस्टेंस बताया था 530 का हाई पोस्ट हुआ है और 30,975 का सपोर्ट बताया था, 30,956 का लो पोस्ट हुआ है। यानी निफ्टी ने 35 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस से और 30 पॉइंट नीचे बराबर सपोर्ट से पोस्ट किए हैं। तो देखिएगा खेल कैसे चलता है लेवल्स में। निफ्टी ने बराबर 40 पॉइंट छोड़ दिए ऊपर नीचे दोनों बाजू और बैंक निफ्टी ने दोनों बाजू सिर्फ 30-30 पॉइंट ऊपर नीचे हाई लो पोस्ट किया है। अब बात करते हैं कल के लिए क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। 31,200 का पहला सपोर्ट, 31,100 का दूसरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 31,470 और 31,680 और इसका मैजिकल फिगर है 31,100। ध्यान में रखिएगा 31,100 बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर है और 12,070 का निफ्टी का मैजिकल फिगर है। जो कोई मैजिकल फिगर का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। मैजिकल फिगर के ऊपर बाजार जब तक स्टेबल रहता है तब तक ये रहता है बुलिश टेरिटरी में और अगर उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो हो जाता है बेरिश टेरिटरी में। हालांकि निफ्टी अगर अपने मैजिकल फिगर्स के नीचे ट्रेड कराने लगता है तो उसको वापस से एक बार करेक्शन 11,900 तक आ सकती है और बैंक निफ्टी 30,600 तक आ सकती है। तो मैजिकल फिगर को एकदम ध्यान में रखिएगा। अभी कल का जब तक वीकली क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोगों को रहना है अलर्ट। अब बात करते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक हमने क्या रणनीति बनाई थी और क्या हुआ। 534-537 की रेंज में ICICI बैंक बाय करने कहा था, 522 का स्टॉप लॉस और 566 का लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था। 547 का हाई पोस्ट किया है, 536-25 का लो पोस्ट हुआ है, 541-60 में क्लोज हुई है। जिस किसी ने भी लोअर लेवल में बाय किया होगा आज तो उसको 10 रुपये ऊपर माल का भाव दिखा होगा, हालांकि क्लोज होते होते 4-5 रुपये वो फिसल गया। बजाज फाइनेंस 4520-4500 के रेंज में बाय करने कहा था, 4800 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4677 का तो इसने आज ही हाई पोस्ट कर दिया 150 रुपये ऊपर और लो पोस्ट किया 4525, क्लोज हुई है 4666 में। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ बजाज फाइनेंस में, एक बार डॉक्टर रेड्डी में हुआ था, दूसरी बार बजाज फाइनेंस में और तीसरी बार फिर से बजाज फाइनेंस, यानी हर बार मेरा 5-5 रुपए से भाव छूट गया है और टारगेट मेरे सारे अचीव हो गए। यानी एक बार 4210 में बाय करने कहा था, 4220 में 4225 का लो लगा के उसने
ऑल टाइम फोर का हाई लगा दिया था, तो वहाँ मेरा 200 पॉइंट का मूवमेंट छूट गया था, यानी मैं अपनी रिकमेंडेशन शीट परफॉर्मेंस शीट में नहीं ले पाया था क्योंकि 5 रुपये से मेरे भाव छूट गए थे। आज फिर से तीसरी बार हुआ, डॉक्टर रेड्डी ने तो मेरे 3200 के सारे टारगेट अचीव कर दिए। 2900 2905 पे बाय करने के लिए रिकमेंड किया था एक दिन, 2910 का लो लगा के उसने सीधे 3100 3200 पे आ गया। 5 5 रुपए की वजह से मेरी इतनी बड़ी बड़ी रैली छूट गई। अब बात करते हैं दूसरा, तीसरा हमने लिया था आईबुल। आईबुल को 274 के लगभग बाय करना था, 266 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 285 295 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज इसका हाई पोस्ट हुआ, आज तो आईबुल ने बवाल कर दिया। 326 40 का हाई है, 268 20 का लो है, 319 का क्लोज है। जिस किसी ने भी आईबुल बाय करा होगा आज, उसके तो आज लॉटरी लग गई, भयंकर मुनाफा हुआ है आज 10% के आसपास। यस बैंक को बाय करने कहा था 36 37 की रेंज में, 34 40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 39 50 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज का हाई देखिएगा 39 50, लो 37 80, 37 तक बाय करना था लेकिन उसका बाजार में भाव 37 80 का लो लगा, तो ये भी मेरी रिकमेंडेशन परफॉर्मेंस शीट में नहीं आ पाएगा। 38 55 की क्लोजिंग हुई है। तो ये हुई हमारी आज जो हमने स्टॉक्स लिए थे। अब आगे के लिए क्या, कल क्या रणनीति बन के आ रही है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। मारुति को सेल करना है आपको 7030 7060 की रेंज में, 7101 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 6925 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिप्ला सेल करना है 443 445 की रेंज में, 449 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 435 428 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस 774 777 तक सेल करना है, 782 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 764 और 758 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास होल्डिंग में सिर्फ ICICI बैंक है, आईबुल में प्रॉफिट बुक हो गया है, तो होल्डिंग में हमारा एक ही स्टॉक है। तो कल हम ये तीन स्टॉक में सेल करके काम कर सकते हैं, और सेलिंग पोजीशन सारे इंट्राडे होते हैं क्योंकि मेरे कॉल्स होते हैं सारे इक्विटी कैश में। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ फ्यूचर में काम करने के लिए। तो सारे कॉल्स होंगे इक्विटी कैश में, NSE कैश में, और जो मैं इंडेक्स की बात करता हूँ वो बात करता हूँ करंट एक्सपायरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। मैं अभी बात कर रहा हूँ 27 फेब 2020 के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो निफ्टी इंडेक्स की जो मैं बात करता हूँ वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और स्टॉक्स की जो मैं बात करता हूँ वो सारे कैश होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं एग्जीक्यूट मेरे बताई हुई रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।